मथुरा में वृंदावन के ओमेक्स सिटी के गोविंदा अपार्टमेंट में व्यापारी सतीश चावला की पत्नी को बंधक बनाकर हुई लाखों रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की वारदात को ग्वालियर के सगे भाइयों ने अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से लूट के आभूषण और नकदी बरामद की गई। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि खुलासे के लिए 5 टीमों को लगाया गया था। आखिरकार पुलिस ने लुटेरे सगे भाइयों को झांसी से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों भाई एक्शन मूवी से प्रभावित होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। दरअसल झांसी के रहने वाले लोकेंद्र मिश्रा और धर्मेंद्र मिश्रा ने पहले रेकी की और रेकी करने के बाद एक वृंदावन की ओमेक्स कॉलोनी के गोविंदा 2 अपार्टमेंट में रहने वाली वृद्ध महिला को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस के मुताबिक घटना में इस्तेमाल बाइक भी दोनों सगे भाइयों ने अपनी माँ के गहने गिरवी रख लूट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए खरीदी थी। देखिए, जनपद मथुरा के थाना वृंदावन में 2 तारीख को जो ओमेक्स का रेजिडेंशियल एरिया है उसके एक फ्लैट में 1:30 बजे के आसपास मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने घर में घुसकर श्रीमती सुनीता चावला जो हैं वो अपने घर पर अकेली थी उनके साथ मारपीट कर उनके घर का काफ़ी भारी मात्रा में ज्वेलरी और नकदी वहाँ से लूट करके ले गए थे। घटना की जानकारी होते ही सभी उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। इस घटना को पूरी जनपद मथुरा पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया। कई CCTV फुटेजेस खंगाले गए, मुखबिरों के तंत्र के माध्यम से और सर्विलांस के माध्यम से जानकारी की गई, जिसके फलस्वरूप मात्र 48 घंटों के अंदर इन दोनों मोटरसाइकिल सवार युवकों को अरेस्ट कर लिया गया था। इनके नाम हैं धर्मेंद्र व लोकेंद्र मिश्रा, जो कि सगे भाई हैं, वर्तमान में जनपद झांसी में रह रहे हैं। जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने आकर के घटना की थी वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही SSP ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है।